पिताजी, यदि आप मेरा विवाह किसी और से करा देंगे तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। हमारा प्रेम सच्चा है, इसे स्वीकृति दे दीजिए। मुझे महाराज सूरत से विवाह करने की अनुमति दे दीजिए। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, प्रणाम देव। कल्याणम भवा। तुम तीनों एकाएक यहाँ? विश्वकर्मा जी, हम सबको जिस बात का भय था वही होने जा रहा है। ये क्या कह रही हो चंद्रकला? चित्रांगदा पृथ्वी लोक की ओर जा रही है। यदि समय रहते हुए उसे नहीं रोका गया तो वो अवश्य ही बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रुक जाओ चित्रांगदा, रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मनुष्य से विवाह नहीं कर सकती। नहीं पिताजी, मैं निर्णय ले चुकी हूँ, मेरा रुकना असंभव है। मैं कहता हूँ रुक जाओ चित्रांगदा, रुक जाओ। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे। ऋषिवर, ये विश्वकर्मा जी का ही स्वर है, लगता है वो फिर से उग्र उठे हैं। वे क्रोध में आकर किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। मुझे शीघ्र उनके पास जाना होगा। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। आप जैसे ही मुझे स्मरण करेंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो, अन्यथा मैं यहाँ सब तहस नहस कर दूंगा। मुझे मुक्ति चाहिए, कहाँ है मेरा मुक्तिदाता जो मुझे मुक्ति दिलाएगा? मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो, मुझे मुक्ति चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप विश्वकर्मा देव? शांत हो जाइए, शांत। यहाँ से चला जाओ वानर बालक, मुझे बहलाने का प्रयास मत कर। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति चाहिए मुझे। देव शांत हो जाइए। मुक्ति मुझे शांत कर सकती है और कुछ नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से, यदि मेरा क्रोध जाग गया तो तुम भी बच नहीं पाओगे।
चले जाओ। नहीं विश्वकर्मा देव, मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। ये तो तुमने पहले भी कहा था कि तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे, किंतु तुम कुछ नहीं कर पाए। चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, कोई नहीं। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे। रुक जाइए विश्वकर्मा देव, रुक जाइए। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। रुक जाइए विश्वकर्मा देव, मैं आपकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। वानर बालक, ये सब तुम्हारे वश का काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। रुक जाइए। रोकना आवश्यक है, अन्यथा ये अवश्य किसी का अहित करेंगे। मुक्ति दो मुझे। मुझे क्षमा करना देव, मैं आप पर प्रहार नहीं करना चाहता था, किंतु मैं विवश हूँ। क्षमा कर दीजिए देव, इस स्थिति में मुझे आपकी समस्या का कोई और हल नहीं दिखाई दे रहा था। पता नहीं वहां मारुति के साथ क्या हो रहा है। हमने आप सब लोगों के कहने पर मारुति को वहां भेजा था, किंतु अब तक उसका कोई समाचार नहीं आया। आप हम सभी जानते हैं कि हमारा नन्हा मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। केसरी, उसने इससे बड़ी बड़ी समस्याओं को बड़ी आसानी से निपटाया है। सच पूछो पुत्र, तो ये समस्या उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो तो हमें पता है, फिर भी पिताजी, हमें तो यह भी ज्ञात नहीं कि वो वानर देवता है या राक्षस। स्वामी, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, किंतु आप बार बार ऐसी बातें बोलकर मेरी चिंता को और बढ़ा रहे हैं। हमने तो यही सोचकर मारुति को भेजा है कि इससे पहले भी उसने कई भयंकर और शक्तिशाली राक्षसों का अंत किया है,
अंजना, तुम्हारी ये बात सत्य है। फिर भी हमें कभी कभी लगता है कि मारुति अभी बच्चा ही है। हमने मारुति को अकेले भेजकर बहुत बड़ी भूल की है। हमें मारुति के साथ एक सेना की टुकड़ी भेज देनी चाहिए थी। केसरी पुत्र, अगर मारुति को सेना की आवश्यकता होती तो वो अपने साथ ले जाता, किंतु मारुति को बताए बगैर अगर सेना की टुकड़ी भेजेंगे तो हो सकता है मारुति के कार्य में विघ्न उत्पन्न हो। आपका कहना ठीक है महाबली काका, जामवन जी, जामवन जी। ये क्या प्रभु इस समय हमें याद कर रहे हैं? ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रभु ने इस तरह याद किया हो। किंतु प्रभु को मेरी आवश्यकता पड़ रही है, लगता है कोई आवश्यक कार्य है, इसीलिए प्रभु मुझे याद कर रहे हैं। केसरी पुत्र, हमें एक आवश्यक कार्य याद आ गया है। हम अभी जाते हैं और अभी वापस आते हैं। अंजना, ये महाबली काका को क्या हुआ? अभी तक तो शांत थे। वही तो मुझे भी लग रहा है, ऐसा कौन सा काम याद आ गया काका को जो ये इतने उतावले हो उठे। जामवन जी, जामवन जी, जामवन जी, जामवन जी। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ जामवन जी, हमें आपकी आवश्यकता है। मुक्ति वानर के रूप में कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा देव हैं। विश्वकर्मा देव उस वानर के रूप में? हाँ जामवन जी, ये श्राप के कारण इस समय बहुत ही उग्र अवस्था में है। हम अभी तक इनकी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए। आप किसी को ये बताइए मत और शीघ्र यहाँ आ जाइए। जो आज्ञा प्रभु, आपने ब्रह्मपुत्र को धन्य कर दिया। हे पिता ब्रह्मदेव, जिस घड़ी की मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई है। आज भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार ने मुझे बुलाया है। आज तक तो वो मारुति के रूप में ही मुझसे मिलते थे, आज से उन्होंने अपनी लीलाओं में मुझे सम्मिलित कर लिया है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। जामवन जी, आप तो आप सदैव हमारे कार्य में सहयोग देंगे। अब वो समय आ गया है जिसके लिए आपका और हमारा जन्म हुआ है।
मेरे अहो भाग्य प्रभु, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ प्रभु, मैं आता हूँ। महाबली काका, आप किससे बात कर रहे थे? वो तो मैं किसी से नहीं, मैं स्वयं से बातें कर रहा था। महाबली काका, हमने कई बार देखा है आप अकेले में न जाने किससे बातें करते रहते हैं। हमें तो कोई कहीं दिखाई भी नहीं देता है। वो तो दृष्टि का फेर है केसरी, किसी की आंखें वो भी देख लेती हैं जो कोई और नहीं देख सकता। और किसी की आंखें सामने घटित होने पर भी नहीं देख सकती हैं, क्योंकि आंखों पर आपसी संबंध, मित्रता, शत्रुता और ममता का आवरण चढ़ा होता है। महाबली काका, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे, जैसे शत्रु का किया हुआ अच्छा कार्य भी नहीं दिखाई देता है। और मित्र का किया हुआ बुरा कार्य भी अनदेखा कर दिया जाता है। पुत्र अगर महान कार्य भी करता है तो उसे बच्चा ही समझ लिया जाता है। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे मारुति के पास जाना है। महाबली काका, अभी तो आप कह रहे थे कि वहां किसी के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जावन जी, अभी एकाएक ऐसा क्या हो गया जो आप मारुति से मिलने के लिए इस प्रकार उतावले हो उठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वो देख लिया हो जो हम सब मिलकर भी यहां नहीं देख पा रहे हैं? हाँ काका, यदि आपने कुछ देखा है तो हमें बताइए।